इंडिया न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर। आज एक बड़ी अहम मुद्दे पर बात करेंगे, श्रद्धा हत्याकांड। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस को मुख्य रूप से पांच चीजों की तलाश है, जिसमें श्रद्धा का सिर, बॉडी के सारे टुकड़े, डीएनए रिपोर्ट आ रही जिसे कत्ल किया गया, श्रद्धा के कपड़े जो कत्ल के वक्त पहने हुए थे और श्रद्धा का मोबाइल इसमें शामिल है। ये जानने के लिए पुलिस आरोपी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट करवा रही है और 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट भी करवाने वाली है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि आफताब पॉलीग्राफी टेस्ट में पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। आपको बताते हैं कि लगातार हो रही वो बीमारी जिससे आफताब बार बार पॉलीग्राफी टेस्ट को टाल रहा है उसके बारे में। जब आफताब का पहले बार बुधवार को पॉलीग्राफी टेस्ट होना था तब वो मंगलवार को ही बीमार हो गया। जब शुक्रवार को उसका टेस्ट होना था तब भी वो बीमार हो गया, जिस कारण उसका टेस्ट शुक्रवार को नहीं हो पाया और सोमवार 28 नवंबर को उसका फिर से टेस्ट होने वाला है। आपको बता दें कि जिसमें बचे हुए सवाल पूछे जाएंगे, हालांकि अभी तक पूछे गए सवालों का भी सही से जवाब ना देकर वह पुलिस को लगातार चकमा दे चुका है, जिसके बाद अब इस केस के खुलासे की उम्मीदें नार्को टेस्ट पर टिकी हुई हैं। नार्को टेस्ट जब होगा तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इस केस में कई नए खुलासे होंगे। FSSL के सहायक निर्देशक और PRO संजीव गुप्ता ने बताया है कि आफताब का सोमवार को एक फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा। पॉलीग्राफी टेस्ट में कई सारे सेशंस होते हैं जो शेष बचे हैं अभी होने के लिए। वहीं पूरे किए वो जो सेशंस बचे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और पिछला सेशन जो हुआ था तो उसके सहज जो भी परेशानी थी वो भी इसमें रखी जाएगी और उस वजह से कुछ रह गया था जो उसमें वो भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि नार्को टेस्ट के लिए हमारा लैब और हमने पूरी तरह से तैयारी की है। ये कब होगा इसकी जानकारी हमें नहीं है। आफताब टेस्ट के दौरान सहयोग कर रहा है या नहीं ये हम जांच एजेंसी को ही बताएंगे, ये गोपनीय मामला है। कई सारे सवालों का जवाब जो है वो आफताब ने नहीं दिया है। आफताब खुद को इतना होशियार समझता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में भी उसने पुलिस को चकमा दे दिया। वो कई सारे सवालों पर चुप रहा, कई सवाल टाल गया, कई सवालों के आधे अधूरे जवाब दिए तो कई सारे सवालों पर वो मुस्कुराता रहा। आफताब की सुरक्षा को तिहाड़ जेल ने सारे एहतियात इंतजाम किए हैं, सुरक्षा के लिहाजे से उसको अलग सेल में रखा गया है। ये वो सेल है जहां पहली बार कैदी को रखा जाता है। आफताब के साथ किसी और कैदी को नहीं रखा गया है। उसके सेल के बाहर हर वक्त एक पुलिसकर्मी तैनात रहता है। सीसीटीवी कैमरे से भी आफताब पर लगातार नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि ड्रग्स तस्कर उसका दोस्त वो भी गिरफ्तार है। केस में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने और पुख्ता सबूत पाने की पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है और हर उस शख्स तक पहुंच रही है। आज ही पुलिस ने सूरत से फैजल नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने आफताब को ड्रग सप्लाई किए थे। फैजल और आफताब के कई सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं। इससे पहले रिपोर्ट्स में कहा गया था कि आफताब एक ड्रग एडिक्ट था और उसने कबूल किया है कि वो चरस, गांजा और सिगरेट का सेवन करता था और इन चीजों का सेवन जो है वो लगातार करता था। आफताब कथित तौर पर श्रद्धा की हत्या करने के बाद पूरी रात शव के बगल में बैठा रहा और गांजा पीता रहा। दूसरी लड़की तक भी पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है। पुलिस दिल्ली के उस लड़की तक पहुंचने में कामयाब रही है जो श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब से डेटिंग ऐप पर मिली थी और तब आफताब ने फ्लैट पर उसके फ्लैट पर भी आई थी जब श्रद्धा का शव उसके फ्रिज में पड़ा हुआ था। पुलिस ने उस लड़की की पहचान भी कर ली है। ये लड़की पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट है। पुलिस इससे पूछताछ भी कर रही है और माना जा रहा है कि उसने आफताब के बारे में अहम सुराग दिए हैं। लेकिन आफताब जो है वो लगातार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप जुड़ना ना भूलिए इंडिया न्यूज के साथ।